देश के लिए जो सैटरडे रहा है वो सुपर सैटरडे रहा है, क्योंकि टोक्यो से आई है गुड न्यूज़ भारत के लिए। मीराबाई चानू ने इतिहास रचा है वेटलिफ्टिंग में, उन्होंने इतिहास रचते हुए भारत की झोली में उसका पहला मेडल दे दिया है टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, आप भी लोग अब खुशकिस्मत समझिए अपने आप को, क्योंकि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सीधे टोक्यो से मीराबाई चानू द सिल्वर गर्ल और साथ ही साथ उनके कोच विजय शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत और सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। धन्यवाद मीरा। 24 घंटे में जिंदगी बदल जाती है ऐसा हमने सुना है, आज आप ये बात एक्सपीरियंस भी कर रही होंगी। मैंने सुना कि आपने दो दिन से शायद कुछ खाया नहीं था, कल रात को आज के इवेंट को लेकर टेंशन रही होगी और आज आप सुबह गए, आपने अपना बेस्ट दिया, मेडल जीता, अपना ख्वाब पूरा किया, जिंदगी बदली ऐसा लग रहा है? जिंदगी तो बदली नहीं है पर मेरा सपना पूरा हुआ है। जिंदगी तो बदल नहीं सकती, बहुत कुछ करना है अभी, पर मेरा सर दोनों के सपना जो है अभी मिल पूरा सपना हो गया है, तो ये ओलंपिक मेडल हमारे सपने थे तो पूरा हो गया जी। अच्छा मीरा, 2014 के बाद से आपके साथ में विजय सर जुड़े हैं और हमने देखा है कि 2014 से आपकी जो ये टीम बनी है ये लगातार इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर भारत की झोली में एक के बाद एक मेडल्स लाती रही है। कभी कभी इंजरीज आई लेकिन आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2018 में आपने जो गोल्ड मेडल जीता था ग्लासगो में, उसके बाद में अब ओलंपिक मेडल जीता है, अपनी ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताएं। हाँ जी, 2014 कमल गेम्स के बाद में सर के साथ ट्रेनिंग करना शुरू किया है, तो काफी चेंज मिला था मुझे सर के साथ ट्रेनिंग करने में, मेरा परफॉर्मेंस में, मेरा ट्रेनिंग में काफी चेंज मिला, मेरा परफॉर्मेंस में भी काफी अप हुआ था, तो बहुत मेहनत की है हमने। 14 के बाद हमने सोचा कि रियो ओलंपिक में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इससे पहले हमने बहुत मेहनत की थी ओलंपिक के लिए, तो साहब बहुत मेहनत के बाद हमने रियो में फेल हुआ था, तो इसके बाद भी हमने बहुत ही मेहनत की, बहुत सपोर्ट किया सर ने मुझे, ट्रेनिंग में बहुत सारी चेंज मिला, चेंज भी हुई थी, चेंज किया सर ने मुझे, तो बहुत मुझे भी समझाई थी हम बहुत सारी कुछ कर सकते हैं इंडिया के लिए, वेटलिफ्टिंग के लिए भी, तो रियो के बाद हमने फोकस किया था ट्रेनिंग में, तो उसके बाद हमने वर्ल्ड चैंपियन। अच्छा, आज के अगर इस बाउट की बात, आज के अगर इस इवेंट की बात करें तो उस इवेंट के बारे में अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, क्योंकि 2016 जब रियो में आप गए थे, कहीं ना कहीं वो एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होता है, आप अगर अपना बेस्ट नहीं दे पाते और आपके लिए तैयारियां जो हैं अधूरी रह जाती हैं। आपने 2018 में कुछ इमोशनल लाइंस भी लिखी थी कि हारना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, तो आज जब आप गईं तो उसके बाद में क्या आपके जहन में क्या चल रहा था, आपके माइंड में क्या चल रहा था, उस मोमेंट के बारे में हम जानना चाहते हैं। ये मुझे हमारे सपने थी रियो ओलंपिक में भी, हम जो भी मैंने ट्रेनिंग में किया था तो ऐसे ही सेम किया हो तो मेरा मेडल थी रियो ओलंपिक में भी, पर मेरा क्लीनिंग में मेरा फेल हो गया था, तो इसकी वजह से मैं मेडल नहीं ले पाई, तो बहुत ही दुखी हुई थी, काफी दिनों हम दुखी में हम रहे थी, तो उसी के बाद सर ने मुझे बहुत समझाया और सारी मेरे फैमिली और फेडरेशन का सारी सर ने भी मुझे बहुत समझाया था कि हम अभी यंग हैं और भी बहुत सारी कर सकते हैं, तो मेरे सामने वर्ल्ड चैंपियनशिप थी 2017 में, तो उसी में से मैं कुछ करके दिखाना था, तो मैंने पूरा चेंज किया, मेहनत किया, तो वर्ल्ड चैंपियन मिली। इसके बाद धीरे धीरे हमने बहुत सारी मेहनत की थी और सिर्फ फोकस मैंने ट्रेनिंग में किया था, तो अभी इस वक्त पहुंची हूँ।